सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो ना सिर्फ सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी। प्ले करता है। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब सबसे पहले मैग्नेट की मैंने यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन दे रखी हैं। एक जो डेफिनेशन है वो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है और दूसरी जो डेफिनेशन है वो साइंस की टर्म्स में दे रखी है। प्लस मैंने इन सारे नोट्स को हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप उसकी रीडिंग हिंदी मीडियम से भी, जो हिंदी में लिखा हुआ है उससे भी आप कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और मेरे चैनल से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा हो। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो ले लीजिए प्लीज़। नाउ मैग्नेट क्या होता है? ये किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आयरन बॉडीज़ को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है अपने आसपास। मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी पाथ होता है मैग्नेटिक लाइंस का, जो होता नहीं है, दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट करता है। सो मैग्नेट एनी मटेरियल कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन एंड प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इटसेल्फ। इट मीन्स कोई भी ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो आयरन बॉडीज़ को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सके और अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सके, ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल को हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट को हिंदी में चुंबक कहते हैं। नाउ जो सेकेंड डेफिनेशन है ये प्योर साइंटिफिक फॉर्म में है। आप में से बहुत लेजेंडरी बंदे होंगे जो आप इसको लर्न कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिएगा क्योंकि इसमें से कुछ पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ मैग्नेट इज़ द नेम ऑफ अ लोड स्टोन इज सिंपली एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। मैग्नेट आयरन का एक ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 और ये कहाँ पर मिलता है? मैग्नीशिया में, फाउंड इन मैग्नीशिया। हैज़ द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग सम सब्सटेंसेस। इसके अंदर आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है एंड हैज़ द टेंडेंसी टू पॉइंट नॉर्थ साउथ व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। इसके अलावा मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सके। नाउ मैग्नेट की डेफिनेशन के बाद में आपके पास आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में मैग्नेट की डेफिनेशन पूछी जाए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट है कि मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हमारे पास दो टाइप्स हैं मैग्नेट के, एक है आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज़ नेचुरल मैग्नेट। जितना इजी ये पढ़ने में है उससे कहीं ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? जो मैन मेड होता है, इसे ह्यूमन से हम बनाते हैं, ह्यूमन खुद इसे बनाते हैं, मेड बाय अ मैन बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट को बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प से लैब में बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है दे आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू नेचुरल मैग्नेट। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी वजह यही है कि ये मैनमेड है, तो इसमें हम जिस अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए, जहाँ इसकी ज़रूरत है, हम इसे उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसलिए ये नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट का थर्ड पॉइंट है दे कैन बी टेम्प्रेरी और परमानेंट मैग्नेट। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्प्रेरी मैग्नेट का मतलब ये हो गया कि जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक लिमिट तक ही रहती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक है, उसके बाद में वो वापस से नॉर्मल बन जाता है। और परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये हो गया कि ऐसा मैग्नेट जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं, उसे परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़
they are available in different shapes and size. As I told you कि ये natural नहीं है, ये man-made है, तो इसे हम जैसी shape में चाहें, जिस ज़रूरत के according चाहें, हम उसे ऐसे बना सकते हैं. इसलिए जो artificial magnet है, इसकी बहुत सारी shapes होती हैं और बहुत सारे sizes में ये market में available होता है. Next example है इसका horseshoe magnet and bar magnet. ये दो एग्जाम्पल जो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं. ये दो एग्जाम्पल हॉर्सशू मैग्नेट एंड बार मैग्नेट, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट के बाद में आता है नेचुरल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट का फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नेट्स आर फाउंड इन नेचर. ये आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि जो मैग्नेट नेचर से हमें मिलते हैं, उन्हें हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं. सेकेंड पॉइंट है, दे आर वीकर एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, क्योंकि ये नेचर में जिस तरीके से, जिस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं. ये मैनमेड नहीं होते, इसलिए इसे हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर सकते. नेक्स्ट वन इज, नेचुरल मैग्नेट्स आर ऑलवेज परमानेंट मैग्नेट. जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो हमेशा ही परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इसमें कोई भी टेम्प्रेरी बिहेवियर नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दे आर अवेलेबल इन द शेप एंड साइजेस एज दे आर अकर इन नेचर. इट मीन्स कि जैसे ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उसी सेम शेप और साइज में ये हमें अवेलेबल होते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की तरह ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज में अवेलेबल नहीं होते हैं. अब इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, जिसे लोडस्टोन भी कहते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल और पॉइंट्स से नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट के लिए. इसमें हमारे पास या तो एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़े, या फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट पूछे जाते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.